और जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए जो देखिए, जहां तक टैक्स पेयर है, सचमुच में टैक्स पेयर का सम्मान होना चाहिए, टैक्स पेयर का गौरव होना चाहिए। आए दिन रास्ते चलते हर टैक्स पेयर को गाली देते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा जी? ये मैं समझ नहीं आता हूँ, ये किस सोच का परिणाम है? देखिए क्या बदलाव आया है, मैं टैक्स पेयर की बात करूँ, पिछले 10 वर्ष में ITR फाइल करने वालों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई। पहले 4 करोड़ से भी कम लोग ITR फाइल करते थे, आज 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाख करोड़ रुपये होता था, आज नेट टैक्स कलेक्शन 34 लाख करोड़ रुपये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है ना, वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है, विकास के काम, चोरी लूटफाट में नहीं आया, इसलिए वो विश्वास के कारण देने के लिए आगे आया है। दूसरा, 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स हमने माफ कर दिया है, जो पहले 2-2.5 लाख पर अटका हुआ था, 7 लाख रुपये कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर भी मेरे यहाँ टैक्स बढ़ रहा है, यानी। और इसलिए मैं मानता हूँ, मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं पर बोझ कम होना चाहिए, इस मूलभूत फिलॉसफी की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे, और मैं तो करदाताओं से एक प्रार्थना भी करूँगा कि देश के खातिर, विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है, मैं उनको कहूँगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेरित करो कि वो टैक्स देना शुरू करें। हर टैक्स पेयर सिर्फ 3 लोगों को प्रेरित करें, और मैं उनको समझाता हूँ, जब मैं गरीब का घर बनाता हूँ उसमें जो ईंट लगती है ना, किसी न किसी टैक्स पेयर की ईंट है वो, उसका जो पुण्य है ना, वो जो परिवार उसमें रहता है, जो पुण्य संतोष व्यक्त करता है, उसका पुण्य उस टैक्स पेयर को जाता है। किसी गरीब को मैं जब मुफ्त राशन देता हूँ, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है ना, तब वो कोई टैक्स पेयर सोचे कि काश मैंने टैक्स दिया था, वो भूखा बच्चा खाना खा रहा है, उसको टैक्स देने का आनंद आएगा। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का धन जन कल्याण के काम, इनको कोरिलेट कर करके ही चलना चाहता हूँ, ताकि देने वाले को संतोष हो कि मेरे पैसों से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गरीब के घर की थाली है ना, उसका संतोष का जो पुण्य है ना, उसका हकदार कोई है तो देश का टैक्स पेयर है।